जो कार कंपनीज होते हैं उनका फैक्ट्री कुछ बड़ा बड़ा ऐसा दिखता है, बट फियाट नाम की जो कार कंपनी है उसके एक फैक्ट्री का रूफ टॉप देखो। बिल्डिंग के ऊपर पूरा हाईवे की तरह रोड बना हुआ है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर ही हाईवे टाइप का ये ऐसा बना दिए हैं। फियाट कंपनी इटली की एक कंपनी है। एनाबेस टेस्टुडिनियस नाम की एक मछली होती है और इसको आप ध्यान से देखो। इस मछली की प्रजाति के बारे में खास बात आपको बता दूं, सबसे यूनिक मछलियों में से एक है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल मछली देखते हैं उसको अगर कोई पानी से निकाले तो वो मरने लगती है, कुछ मिनट्स में ही मर जाती है। नॉर्मल मछलियाँ कुछ मिनटों में मर जाती है, बट ये मछली 6 से 10 मिनट तक नहीं बल्कि 6 से 10 घंटे तक पानी के बाहर रह सकती है। और कोई इसको तालाब से बाहर निकाल दे तो ये रोड पे और पेड़ों के बीच मस्त खेलते रहती है, मतलब 10 घंटे, 6 से 10 घंटे कोई जोक नहीं होता, उतनी देर एक मछली पानी के बाहर मस्त रह सकती है। एंड 6 से 10 घंटे के बाद इनको तकलीफ होना शुरू होता है। फैक्ट नंबर 30, जब बारिश होती है तब आप देखना, बारिश जब बंद हो जाएगी तब भी आपको पेड़ों के पत्तों के ऊपर कुछ ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स देखने मिलता है, शायद आप ऐसा कभी देखे हो, याद करो। तो ये जो होता है ये लीफ वाटर कलेक्ट करता है जब भी बारिश होती है उसके बाद। एंड इसको अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये देखो कैसे एक एक जो ये निकला हुआ है वो पानी के ड्रॉपलेट्स को पकड़ा हुआ है ताकि ये उसको बाद में यूज कर पाए, और इतने सारे ड्रॉपलेट्स को ये अपने अंदर यूज करने के लिए रखा है। फैक्ट नंबर 29, देखो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट गेट्स में से एक है, सबसे ओल्डेस्ट दरवाजों में से एक है। ये दुनिया के उन इकलौते 2 डोर्स में से एक है जो कि 2000 साल पुराने हैं, लेकिन बट इसका जो ताला है, जो लॉक सिस्टम है, वो आज भी काम करता है 2021 में। ये देख सकते हो आप कितना ह्यूज है। फैक्ट नंबर 28, जिम्बाब्वे जो कंट्री है उसका नेशनल फ्लावर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको कहते हैं द फ्लेम लिली, और ये कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 27, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है पॉइंट नेमो। ये ऐसा पॉइंट माना जाता है, एक ऐसा जगह जो कि इस पूरे मींस पूरे वर्ल्ड का सबसे फार्देस्ट जगह, मींस धरती पर आप कोई भी पॉइंट ले लो वहां से लैंड यानी जमीन कितना दूर है, नियरेस्ट जमीन, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से कोई लैंड आपको दिखेगा ही नहीं, और आप देख सकते हो कितनी दूर जाने पे लैंड यहाँ मौजूद है। एंड बाकी कोई भी पॉइंट अगर आप पकड़ लो तो वहां पे सामने आईलैंड या कुछ भी है, बट ये जो है पॉइंट नेमो ये लैंड से सबसे फार्देस्ट दूरी पे है इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ तक सबसे अमेजिंग बात ये है कि ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपसे ज्यादा करीब पड़ेगा इन कंपेयर टू एनी लैंड, एनी नियर बाय लैंड। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है जापान में कैप्सूल होटल होते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम होटल का जिसमें एक कैप्सूल में आपको बंद कर दिया जाता है, मतलब जो लोग ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहते हैं, बस रेस्ट करना चाहते हैं कुछ घंटे के लिए, या फिर उनको ज्यादा स्पेस की नीड नहीं है, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा कुछ है और उनको सस्ते में चाहिए, तभी कैप्सूल होटल को ले सकते हैं ये लोग। एक नॉर्मल सा बेड, थोड़ा जगह, ऊपर लाइट, और इसमें आराम से लेटो। मुझे सोच के हैरानी होती है कि इंडिया में एक भी कैप्सूल होटल नहीं मौजूद है, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है कैप्सूल होटल। सबसे पहले जापान में 1979 में ये कैप्सूल होटल खुला था। फैक्ट नंबर 25, दुनिया कितनी एडवांस्ड हो गई है, कैमरा क्वालिटीज कितना बढ़ गया है, उसका आप एक अच्छा सा एग्जांपल देखो। यह है प्लूटो का फोटो, जो ग्रह था ना, जो अब उपग्रह बन गया है, प्लूटो जो ग्रह था ना, जो ग्रह मानते थे हम लोग, अब ग्रह नहीं रहा, प्लूटो। ये इसका दोनों पिक आप देख सकते हो, असल में दोनों प्लूटो का ही फोटो है, बट आज से 24 साल पहले का फोटो है ये, और ये 2018 का फोटो है। एंड आप देख सकते हो दोनों के क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, कैप्चर जो हो पाता है स्पेस स्टेशन से। तो अब जाके टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब हम लोग इसका लैंड का सब कुछ देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसा, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्रेटर है, एक्सेट्रा। दुनिया सच में बहुत आगे बढ़ गई है। फैक्ट नंबर 24, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फैक्ट्स में से एक है। पेरीग्रीन फैल्कन, ये जो बर्ड आप देख रहे हो, ये अपने स्पीड के लिए जाना जाता है। ये देखो राजधानी 150 के स्पीड पे चलती है, ये जो बर्ड है 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ सकता है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई और बर्ड इतना तेजी से उड़े ना तो उसका जो पूरा बर्ड का बॉडी है, छाती है, वो फट जाएगा, लंग्स फट जाएंगे, क्योंकि नाक में इतना तेज हवा जा रहा होगा। बट इस बर्ड पे आप ये देख सकते हो एक
डिजाइन बना हुआ है कि हल्का सा गड्ढा करके गड्ढे में सेंटर होकर ऐसा निकला हुआ है। तो नेचर का ये डिजाइन जो है ये यही चीज रोकता है उसके नाक और उसके लंग्स को फटने से, ये चीज नहीं फटने देता और वो आराम से उड़ पाता है। ये एक एरोडायनामिक्स कहते हैं ना, जो जैसे गाड़ियों के बीच में रहता है एक शार्क जैसा डिजाइन ऊपर में। तो सबसे मस्त बात यह है कि इसी नेचर में मौजूद इसी चीज को साइंस ने इस्तेमाल किया है और जेट इंजन्स में इसी से इंस्पायर्ड। देखो आप, जेट इंजन में जो ऐसा कुछ होता है ये असल में इसी बर्ड से इंस्पायर्ड है। हाई स्पीड जेट इंजन्स में इसी का यूज किया जाता है ताकि जेट इंजन बहुत तेजी से उड़ सके हवा में और ज्यादा उसके बॉडी पे उसके मटेरियल पे फर्क ना पड़े और जेट हमेशा हेल्दी रहे। फैक्ट नंबर 23, ये देखो ये है हाला फ्रूट। हाला फ्रूट और ये ऐसा फल है जिसको आप देखोगे तो ये एक एक्सप्लोडिंग प्लैनेट की तरह दिखेगा। होता नहीं फटता हुआ प्लैनेट बीच से पूरा फट रहा है। इसका बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है, मतलब आंख को पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेता है। एक्सप्लोडिंग प्लैनेट की तरह ये फ्रूट होता है, हाला फ्रूट। फैक्ट नंबर 22, स्टोन आर्ट के बारे में आप सुने हो? स्टोन आर्ट, जैसे आप इस इमेज को देखो, ये टर्की का इमेज है और इसमें आप देख सकते हो कि हजारों साल पुराने नेचुरल पत्थर पे ऐसा कारीगरी किया जा रहा है। ऐसे उसको ये देखने में ऐसा लग रहा है ना कि कारपेट है, बट ये असल में कारपेट नहीं है। ये स्टोन के ऊपर ही ऐसा बना दिया गया है कि पत्थर कोई एंगल से नहीं लग रहा है। इसको कहते हैं स्टोन आर्ट और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में इसी का यूज किया जाता है पूरे दुनिया भर में। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है अर्थ पे ग्रेविटी हर जगह एग्जैक्टली इक्वल नहीं है? अलग अलग ग्रेविटी होता है अलग अलग जगह पे। स्कूल में तो मैंने कभी शायद अपने किताबों में ग्रेविटी मैप नहीं देखा। तो असल में ग्रेविटी मैप भी होता है, जिस तरह देश का मैप होता है, शहरों का मैप होता है, उस तरह ग्रेविटी मैप भी होता है। और ये देखो आप अपने स्क्रीन पे, ये है अर्थ का ग्रेविटी मैप और जो आप रेड एरिया देख रहे हो वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रेविटी है एज कंपेयर टू द ब्लू एरिया। और दो एक्सट्रीम्स, मतलब एक इंसान अगर ब्लू एरिया पे खड़ा है और एक इंसान अगर रेड एरिया पे खड़ा है, तो अब आपका मन में आएगा कि अगर आप ही अगर यहाँ पे ब्लू में अपना वजन करो फिर आप जाके रेड एरिया पे वजन करो तो कितना का फर्क आएगा मैक्सिमम, मतलब टेक्निकली साइंटिफिकली स्पीकिंग कितना ग्राम्स का या किलोज का फर्क आएगा। तो मैं बता दूं कि अगर कोई अप्रोक्स 50 किलो का इंसान है तो उसका आधा किलो वेट कम हो जाएगा, 500 ग्राम, कुछ 1-1.5% का डिफरेंस आता है। फैक्ट नंबर 20, टाइगर का जो फेस है उसके ऊपर देखना ऐसा कुछ होता है। टाइगर के कानों के पीछे ये इसलिए बना रहता है क्योंकि ये एक फॉल्स आई की तरह, एक झूठे आंख की तरह काम करता है ताकि जो बाकी जानवर है वो टाइगर से डरे, बहुत डरे। और ये असल में काम भी करता है, अगर टाइगर मान लो आंख बंद किया भी हुआ है और इसे बैठा हुआ है तो कोई और अगर जानवर सामने आएगा तो ये देख के वो डर जाएगा क्योंकि ये फॉल्स आईज मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 19, ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, एनिमल असिस्टेड थेरेपी। क्या आप इसके बारे में कभी सुने हो? ये इमेज देखो, क्या है कि जब भी किसी बीमारी का इलाज होता है तब नेचर के प्रति ऑफकोर्स हम लोग को अच्छा लगता है। अगर हम लोग का जो कुछ हुआ है, मान लो किसी को वो अगर बेड पे लेटा हुआ है और आसपास ग्रीनरी रहे तो उसको अच्छा लगता है, नेचर टाइप का फील होता है। उसी तरह अगर कोई जानवर आ जाए और प्यार से ऐसे खड़ा रहे तो अगर वो इंसान और जानवर को लाइक करता हो तो और अच्छी बात है, तो उससे जो है उसका मेंटल बैलेंस इम्प्रूव होता है, एंग्जाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और यहाँ तक कि सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। इसको कहते हैं एनिमल असिस्टेड थेरेपी। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो यहाँ पे इसका हो रहा है और एक घोड़ा खड़ा है। फैक्ट नंबर 18, ये मेरे सारे वीडियोस के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं? पता है जब मैं स्कूल में था तब मैं जो ये केमिकल कंपाउंड्स का ये ड्राइंग देखता था तब मुझे लगता था कि क्या ये जो ड्राइंग है ये एक्चुअल में, मतलब जो केमिकल्स हैं उसको हम लोग जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या ऐसे ही होगा? तो असल में हाँ, आप देखो इस इमेज को, यह है नीचे वाला जो हम लोग का टेक्स्ट बुक में दिया रहता है और यह है उन्हीं कंपाउंड्स का माइक्रोस्कोपिक इमेज एंड आप देख सकते हो कितना ऑलमोस्ट 100% सिमिलर है जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। यह है केमिकल कंपाउंड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा मोड़ा मैच होगा, ऑफकोर्स उससे ज्यादा ही ये मैच हो रहा है। तो मतलब जो टेक्स्ट बुक में दिखाया जाता है वो लिटरली
जो एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसी को दिखाया जाता है टेक्स्ट बुक में। फैक्ट नंबर 17, ये है सोनी का VN CX1 है और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा कंप्यूटर माउस है जो कि एक फोन भी है लिटरली। जी हाँ, ये दुनिया का ऐसा इकलौता डिवाइस है, यूनिक सा डिवाइस जो कि एक माउस है एज वेल एज एक वर्किंग फोन है। फैक्ट नंबर 16, मूवीज कितने बड़े होते हैं, अपने 2.5 घंटे का मूवी देखा होगा, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का भी, ये 4.5-5 घंटे का भी मान लिया। बट क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मूवी कौन सा है? उस मूवी का नाम है लॉजिस्टिक्स। ये साल 2012 की एक मूवी है और आप देख सकते हो 857 घंटे का ये मूवी है, मतलब 35 दिन और 17 घंटे का मूवी, 51,420 मिनट का मूवी। फिर लिस्ट में देख सकते हो सेकंड नंबर पे है मॉडर्न टाइम्स फॉरएवर और ये 240 घंटे यानी 10 दिन का मूवी है और ये साल 2011 में निकला था। और आप बाकी लिस्ट को भी देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये फैक्ट पता होगा, बाकी तो हो भी सकता है, बट ये मतलब एक मूवी 35 दिन 17 घंटे का है, सिर्फ एक सिंगल मूवी। फैक्ट नंबर 15, चाइना के चोंगजिंग में एक मिनी टाउन बना है और वो लिटरली ऐसे ब्रिज पे बना हुआ है। जी हाँ, ये एक्चुअल घर है। चाइना के उस ब्रिज पे एक पूरा का पूरा कम्युनिटी रहता है एक्चुअल में। पर्सनली कहूँ तो मैं ऐसे जगह पे रहना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि अगर बाई चांस कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तब पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जो रह रहे हैं उनका बहुत हिम्मत है शायद। इसका आप और भी व्यू देख सकते हो। और इस लोकेलिटी में जो भी घर है ये एकदम मल्टी कलर्ड है, मतलब ये दुनिया के सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है और चाइना में आप ये विजिट कर भी सकते हो। इनका लाइफ इस ब्रिज पे ही बीतता है, सारा दुकान, मार्केट, आइसक्रीम शॉप, चॉकलेट शॉप, राशन शॉप, घर का सर्विस सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सब मौजूद है यहाँ। फैक्ट नंबर 14, यूरोप में जो ट्रेन्स होते हैं उनमें कई ट्रैवल एक्सक्लूसिव ट्रेन्स भी होते हैं एंड इसमें आप देख सकते हो ऐसा ओपन बेलकोनी होता है जहाँ से आप व्यूज को एंजॉय कर सकते हो। फैक्ट नंबर 13, सबसे लंबा जो वॉल है वो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आपको पता ही होगा, बट दुनिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल किस देश में मौजूद है? तो वो मौजूद है इंडिया में, ये मौजूद है राजस्थान में, कुंभलगढ़ फोर्ट नाम है इस वॉल का और ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ ऐसा टेस्टी खाना बनाए जिसका मतलब रेसिपी कितना अमाउंट डालना है वो आप ही को पता है, सीक्रेटली आप ही को पता और किसी को नहीं पता है, जैसे KFC हो गया, KFC का रेसिपी किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ ऑफिशियल लोगों को मालूम है। कोका कोला दूसरा हो गया, तो कोका कोला के बारे में एक फैक्ट है कि इन्होंने कभी भी अपने जो रेसिपी है उसको पेटेंट नहीं कराया, मतलब कुछ भी कुछ बनाता है तो उसको पेटेंट कराता है कि हाँ ये मेरा आविष्कार है। बट यहाँ कैच ये है ना कि अगर आप कुछ खाने के कुछ रेसिपी को पेटेंट कर रहे हो तो वो आपको रेसिपी बताना होगा कि आप क्या क्या कितना कितना यूज करते हो, तभी वो पेटेंट हो पाता है टेक्निकली। बट कोका कोला ने सोचा कि नहीं, हम लोग किसी भी हाल में अपने इस ड्रिंक जो वर्ल्ड फेमस है इसका रेसिपी किसी को नहीं बताएंगे, और इन्होंने अपना कभी पेटेंट नहीं कराया ताकि अगर पेटेंट कराने पे इनका एग्जैक्ट रेसिपी तो कोई कॉपी नहीं कर पाता क्योंकि ये लोग पेटेंट कर लेते हैं, लेकिन इनका कोई कॉम्पिटिटर कुछ सिमिलर तो जरूर बना लेता इसके ऐसा टेस्टी टाइप का, इसलिए उन्होंने कभी पेटेंट नहीं कराया। फैक्ट नंबर 11, ये है मॉन्ट सेंट मिशेल होटल और ये फ्रांस का जो आईफिल टावर है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, बट ये जो होटल है ये भी वर्ल्ड के सबसे विजिटेड प्लेसेस में से एक है, सबसे मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में से एक है और पूरे फ्रांस के सबसे मस्त साइट्स में से एक है ये। फैक्ट नंबर 10, एक वैम्पायर मॉथ इसका निक नेम है जिसका साइंटिफिक नेम है जीनस कैलिप्ट्रा। ये क्या है कि मैमल्स के स्किन को पियर्स करके उनके ब्लड को फीड करते हैं, मतलब लिटरली ये नेचर में मौजूद वैम्पायर का एक एग्जांपल है, वैम्पायर मॉथ कहते हैं इसे, बट इसका साइंटिफिक नेम है जीनस कैलिप्ट्रा। फैक्ट नंबर 9, एक केला को अगर आप लो और उसको आप ऐसे छीलो और दो दिख जाएं, एक ही में दो जो कि बहुत रेयर होता है, इसे कहते हैं ट्विन बनाना। फैक्ट नंबर 8, ये है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्रोकोडाइल, सबसे बूढ़ा और सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला मगरमच्छ। क्रोकोडाइल्स का एज जो होता है वो करीब 35 से 40 साल होता है एवरेजली, कुछ 50-60 साल भी जी जाते हैं, बट अमेजिंगली ये जो है क्रोकोडाइल ये क्रॉक वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर साउथ अफ्रीका में मौजूद है और ये 117 से भी ज्यादा साल पुराना है एंड ये अभी भी वहाँ मस्ती करता है। 117 साल पुराना एक मगरमच्छ, हेनरी द नाइल क्रोकोडाइल नाम है इसका।
फैक्ट नंबर 7, क्या कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होता है वो आपको पता ही होगा कि आजकल कितना बूम में है, तो ताइवान में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ना उसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जगह जगह चार्ज करने में बैटरी को पहला बात तो वक्त लगता है और दूसरी बात कि चार्जिंग पॉइंट मिले या ना मिले ये एक दिक्कत है। तो ताइवान में चार्जिंग पॉइंट्स ना देके जगह जगह हर गली गली में ऐसा बैटरी स्वैप मौजूद है, तो आपके बैटरी को आप या तो रिचार्ज करो या तो स्वैप कर दो। वहां के स्कूटर्स ऐसे बने होते हैं कि आप स्वैप कर सकते हो बैटरी, तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड से परचेस करो, खरीदो और बैटरी निकाल के नया बैटरी लगा लो और मस्त आगे बढ़ो। वैसा पूरा एक एनवायरनमेंट बना दिया गया है ताइवान में, जगह जगह स्वैपेबल बैटरी का लोकेशन, जगह जगह बैटरीज अवेलेबल है, स्कूटर्स में बैटरी फिट करने का सिस्टम है, चेंज करने का सिस्टम है, तो एक बहुत ही अच्छा चीज ताइवान में हुआ है। फैक्ट नंबर 6, ब्यूटन ट्राइब नाम का ट्राइब का एक ग्रुप है इंडोनेशिया के सलावेसी में, और अजीब बात यह है कि इन सब का जो आंख है वो ऐसा दिखता है एकदम ग्लॉसी ब्लू। ये असल में एक रेयर जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके चलते ऐसा होता है, बट ये बहुत ही अजीब बात है कि वहां के ऑलमोस्ट सारे मीन्स जो ट्राइब के पार्ट है, जो उस ट्राइब का ग्रुप है ब्यूटन ट्राइब, उसके सारे लोगों में ऐसा ज्यादातर पाया जाता है, ऐसे आईज ज्यादातर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान में जो स्ट्रीट्स होता है ना वो ऐसा नहीं कि मतलब जो दो अपार्टमेंट्स के बीच में गली होता है आप देखे होंगे नॉर्मली इंडिया के शहरों में और बाकी शहरों में, पर जापान में क्या होता है कि दो अपार्टमेंट्स के बीच में गली नहीं होता है, बल्कि देखो ऐसा कुछ बना हुआ रहता है जो कि ऐसे मल्टीपल बार होके ऊपर तक जाता है ताकि बहुत सारे गाड़ियां अट जाए, मतलब उस एरिया का ऑप्टिमल इस्तेमाल हो पाए। अगर एक स्ट्रीट बीच में रहता तो कुछ गाड़ियां वहाँ पे फिट हो पाता, और इसको वो लोग बहुत ऊपर तक बनाते हैं, बिल्डिंग के आधे से भी ऊपर तक, जिसके चलते वहाँ पे ये पूरा सिस्टम ठीक रहता है और सारे अपार्टमेंट के लोग अपने गाड़ी को एडिक्वेट जगह पे पार्क कर पाते हैं। ऐसा स्ट्रीट सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए, है ना। फैक्ट नंबर 4, आपने केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और एटम में आपको पता ही है न्यूक्लियस होता है। एक एटॉमिक न्यूक्लियस इतना छोटा होता है साइज में, येट इतना भारी होता है कि सिर्फ आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब अगर इतना सा एरिया इसको कवर करके पूरा एटॉमिक न्यूक्लियस कुछ गोल गोल सा भर दो तो उसका वेट हो जाएगा 2440000000। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में ये गोल गोल न्यूक्लियस भर दो तो उसका वेट इतना हो जाएगा, मतलब ये इतना एटॉमिक स्केल पे इतना छोटा है लेकिन इसका डेंसिटी इतना ज्यादा है कि ये इतना वेट का हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, एक गिफ्ट शॉप है बहुत फेमस WD नाम का यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये बहुत डूबती हुई एक गिफ्ट शॉप थी उस टाइम में। तो क्या हुआ कि जो हाईवे में लोग जाते हैं उन सबको ये फ्री वाटर ऐसा एक बोर्ड लगा दिए कि फ्री आइस वाटर मिलेगा आपको अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो, और ऑफ कोर्स कोई पानी पीने रुकेगा तो गिफ्ट पे नजर भी तो जाएगा। तो फ्री वाटर के चलते, सिर्फ फ्री वाटर के ये टैक्टिक के चलते सब कोई मतलब जाते थे और पानी पीते थे और उनका नजर गिफ्ट पे जाता था बहुत सारा आइटम्स पे, तो कुछ लोग खरीदते थे और कुछ लोग नहीं खरीदते थे। बट इवेंचुअली इनका बिजनेस इतना बूम हो गया कि अभी ये हर साल $100 million का रेवेन्यू कमाते हैं। एक डाइंग कंपनी ने दिखा दिया कि ये जो फ्री वर्ड है ये कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है और इससे सेल्स कितना बढ़ सकता है, क्योंकि 100 में से 10 लोग तो एटलीस्ट कंसीडर करेंगे अगर वो फ्री पानी के लिए रुके हैं तो उस चीज को देख के, उस शॉप को देख के कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदेंगे। फैक्ट नंबर 2, टनगनिया का लाफ्टर एपिडेमिक, ये 1962 की एक बहुत अजीब सी घटना थी और बहुत मिस्टीरियस भी। ये एक लाफ्टर एपिडेमिक था 1962 में, इसका आप विकिपीडिया डिस्क्रिप्शन देख सकते हो 1962 का। ये पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल इलनेस या क्या था, बट सब लोग अचानक से हंसने लगे। युगांडा के बॉर्डर पे ये बीमारी फैली थी और ये कोई मजाक नहीं था, ये 1000 से भी ज्यादा लोगों में फैला था, उससे ज्यादा तो नहीं फैल पाया, बट जिन 1000 लोगों को हुआ उनमें अनकंट्रोलेबल लाफ्टर फूटने लगा और ये 6 महीने तक था ये हंसने वाला बीमारी, और ये अचानक से चला गया। फैक्ट नंबर 1, ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कुतुब मीनार को और राइट साइड में ताजमहल को, तो अगर इन दोनों आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा लंबा है? फर्स्ट ग्लैंस में ऐसे एक जनरल थॉट आता होगा कि कुतुब मीनार एक डेडिकेटेड पोल है तो शायद वो बड़ा हो, ताजमहल तो एक बिल्डिंग है, बट असल में टेक्निकली एक्चुअली भी ताजमहल जो है वो ज्यादा लंबा है। कितना लंबा? 0.5 मीटर लंबा, आधे मीटर से लंबा है ताजमहल, बट तब भी जीता ही है।
कुतुब मीनार जो है वो 72.5 मीटर्स उसका हाइट है, बट ताजमहल का 73 मीटर है, 0.5 आधा मीटर ज्यादा। तो ये एक बहुत ही गजब सा एक फैक्ट है। तो ये एक ऐसी बात थी जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये ट्रू है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।